हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई रिक्शा ज्ञान में। और अभी हमारे सामने यहाँ पे बाहुबली के दो ही रिक्शे हैं। और यहाँ पे हम बाहुबली के रिक्शे के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं बाहुबली के डीलरशिप जो कि रोहिणी में है। हाँ दोस्तों, बाहुबली के डीलरशिप जो कि रोहिणी में पहले नहीं थी वो अब आ गई है, क्योंकि लोग, मैं देख रहा था, बाहुबली रिक्शा चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, लेकिन वो ले नहीं पा रहे थे क्योंकि बाहुबली रिक्शा उनके वहाँ अवेलेबल नहीं था, दूर से मंगवाना पड़ रहा था। लेकिन नहीं, बाहुबली के ऑनर दिनेश जी ने अब यहाँ पर भी डीलरशिप खोल दी है विशाल एंटरप्राइजेस के नाम से। बिल्कुल यहाँ पर डीलरशिप, ई रिक्शा, बैटरी सब यहाँ पे मिलता है। दोस्तों हम आपको मिलाते हैं यहाँ पर विशाल एंटरप्राइजेस के ऑनर सौरभ जी को। तो सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, हमें बताइए कि बाहुबली जो ई रिक्शा है वो आपको, पहले तो उसकी फीचर्स बता दीजिए कि आपकी बाहुबली रिक्शा क्यों अच्छा लगा और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको अच्छा लगा और क्या फ़ायदा है इसमें बाकी रिक्शे के मुकाबले। एक तो जी, इसमें जो आपकी मजबूती है बाकी रिक्शों से बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ इन्होंने जो है, कोई भी नट बोल्ट पे काम नहीं है, सारा खुद ही सारा आपका वेल्डिंग पे काम कर रखा है। चेसी सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, छत अपनी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक साइड्स के मोल्डिंग्स हैं सारी अपनी बनाते हैं ये। इसमें जी आपको जो है 1100 वाट की मोटर मिलेगी, 1100 वाट का कंट्रोलर है आपका, हैंडल लॉकिंग सिस्टम मिलेगा आपको, ईस्टमैन की बैटरी आएगी 105 एम्पियर की, जिसमें आपकी गाड़ी जो है 100 प्लस चलेगी आपकी। और इसमें सारी जो लाइट्स वगैरह हैं सारी LED आएंगी इसमें, ये भी सारी LED हैं पीछे। और बैक लाइट्स हो गए, एक बलैरो का गाड़ी है, उनकी सारी लाइट्स लगी हुई हैं उनकी, वो भी आपको दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और बाकी रिक्शों से ये गाड़ी जो है थोड़ी चौड़ी है ज़्यादा, जैसे बाकी रिक्शों में आप दो सवारी फंस भी कभी कभार फंस के बैठते हैं, इसमें तीन सवारी भी आप खुली खुली बैठा सकते हैं उसके अंदर। बाकी इसमें जो आपकी फुल पर्दे मिलेंगे आपको, इसमें सारी जो प्रोडक्ट्स अंदर लगा हुआ है इसके अंदर, सारा आपका CY का लगा हुआ है इसमें एक एक चीज़। और हर चीज़ आपको फुली खोल के तारे, वायरिंग झोलझाल वाली वायरिंग नहीं है इसके अंदर, कोई भी बंदा खुद भी अपने वायरिंग को हिला सकता है। इसमें पर्टिकुलर बाकी इसमें स्पेस दे रखा है, आप एक डिक्की की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आपने बाहुबली का डिस्क्रिप्शन पूरा क्या कैसा ही रिक्शा सब आपने जान लिया। अगर आपको और ढंग से जानना है बाहुबली के बारे में तो हमने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, राहुल जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया बाहुबली रिक्शा के बारे में। अच्छा चलिए सर, हम अंदर चलते हैं और सर से बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बाहुबली उनको दे रहा है और पूरे बाहुबली का उन पर क्यों लीडरशिप ली, वो सारे क्वेश्चन हम पूछते हैं। चलिए सर, सौरभ जी सबसे पहले हमें बताइए कि आपने बाहुबली की रिक्शा, आपको कितना टाइम हो गया है और आपने क्या क्या फ़ायदा, क्या आपको अलग लगा बाहुबली के रिक्शे की डीलरशिप में बाकी रिक्शे के मुकाबले। और ठीक, सबसे पहले बताना चाहूँगा जी, मुझे अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं मुझे इसकी डीलरशिप लिए हुए। उस दौरान मुझे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी फैक्ट्री में गया था, वहाँ जाके मैंने इनकी हर चीज़ देखी है, उसमें इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसी कितनी मजबूती दे रहे हैं गाड़ी में, सब कुछ कर रहे हैं। फिर मुझे उस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे मैंने इनकी जो है कंपनी मैंने पकड़ी मैंने इसको। उसके बाद जो इनके जो ओनर्स हैं, ओनर से भी मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने बहुत अच्छा रुआ दिया और हर तरीके से मुझे सपोर्ट की उम्मीद दी है मुझे कि किसी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप गाड़ी बेहिचक होकर बेचोगे आप। मतलब कंपनी की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है डीलर से, मतलब सबसे पहले जब हम 2 महीने पहले स्टार्ट किया तो कंपनी की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है, मतलब अभी फ़िलहाल की बात करें? फ़िलहाल वो अपना ब्रांडिंग वो करवा रहे हैं, जो है एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, मुझे टाइम टू टाइम मुझे इंक्वायरी भी दे रहे हैं, वो किसी कस्टमर की इंक्वायरी उनके पास जाती है तो मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, मैं उनको फिर कॉल्स करता हूँ मैं उनको। तो सर सर्विस एंड सपोर्ट, जैसे बाकी लोग सर्विस एंड सपोर्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सर्विस एंड सपोर्ट में आपका क्या रिस्पॉन्स है बाहुबली की तरफ से आपके लिए? जैसे उनके मालिक हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने मुझे दिया कि कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत आपका 2 से 3 घंटे में आपका हमारी तरफ से जो है मैकेनिक आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी छोटी मोटी कोई गाड़ी में दिक्कत आती है वो हम यहीं पे करवा लेते हैं, उसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उन्होंने एक्स्ट्रा सामान हमें दे रखा है, जिससे हम कस्टमर की गाड़ी को जो है ना खड़े नहीं होने देते। जैसे कोई रिक्शा कोई लेके आया, किसी के रिक्शे में प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसको खड़े नहीं होने देंगे, हम तुरंत उसको कार्रवाई करने की सोचते हैं कि उसको रिपेयर करवा दें, जिससे उसकी दिहाड़ी ना ख़राब हो। सर ये जैसे कहते हैं कि जलने फूकने की गारंटी लोग मतलब मांगते हैं कि जलने फूकने की जो रिक्शा की कंट्रोल कन्वर्टर मोटर जो है
वो जलने फूकने की गारंटी, क्या बाहुबली दे रहा है? हाँ जी, बाहुबली जो है जलने और फूकने की गारंटी दे रहा है, बस उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कोई किसी मोटर की वायर्स है वो जल जाए, या कस्टमर की लापरवाही के कारण अगर जल जाती है मोटर, तो उस कंडीशन में जैसे कि उसमें आप कभी कई कस्टमर क्या करते हैं, ब्रेक लगा के गाड़ी चलाते हैं, अब जैसे घोड़े की लगाम खींचोगे तो घोड़ा ख़राब होएगा ही होएगा जी, उसी हिसाब से है जी। अगर नॉर्मल वैसे कोई दिक्कत आती है मोटर कंट्रोल में, तो उसे ऊपर प्रॉपर आपको जो है कंपनी सपोर्ट मिलेगा, आपको उसमें वारंटी में जो होगा आपको चेंज कर दिया जाएगा आपका। मतलब दोस्तों अगर बात करें, जैसे होता क्या है कि अगर कंट्रोलर कन्वर्टर अंदर से जला फूक रहा तो वो तो चेंज करके दे देंगे, लेकिन अगर उसकी वायरिंग जली फूकी तो वायरिंग आपकी गलती की वजह से होता है। क्यों? आप जब ब्रेक लगाते हैं और बार बार ब्रेक लगा कर चलाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी आपकी गलती होती है, और आपकी गलती की वजह से हम चेंज नहीं कर सकते बाहुबली जंक्शन। अगर कंट्रोलर कन्वर्टर अंदर से कुछ खराबी हो तो बिल्कुल चेंज किया जाएगा। अच्छा, जैसे ऐसे बताइए कि अगर जैसे बाहुबली रिक्शा जब आपने डीलरशिप ली थी, तो जो जो इन्होंने वादे किए थे कि भाई आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ देंगे, ये चीज़, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं? मतलब अगर बात करूँ मैं, क्या 80% भी अपने वादे पे, ये जैसे सरकार भी 80% नहीं होती है, तो क्या बाहुबली भी बाहुबली सरकार की तरह, या वो कम से कम 80-90% या 100% अपना जो वादा है वो फुलफिल कर रहा है, पूरा सही कर रहा है? हाँ जी, इन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट करा है जी, इन्होंने हर चीज़ में, मैं कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत इनको बोलता हूँ, इन्होंने ग्रुप बना रखा है मेरा व्हाट्सअप, उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, जो कंपनी का मालिक है वो कहता है कि हमसे कॉन्टैक्ट करो, आपको बीच में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने देंगे हम आपको। सर, कंपनी का रवैया कैसा है आपके प्रति? रवैया बहुत बढ़िया है जी, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, जाते हैं उन्होंने हर तरीके से सपोर्टिंग दे रहे हैं मुझे वो। सर, जैसे आपने 2 महीने हो गए रिक्शा लिए हुए, तो आपको ये रिक्शा बेचना पड़ता है, मतलब प्रमोशन करना पड़ता है, इधर उधर जाके बोलना पड़ता है, या अपने आप ही लोग आते हैं और रिक्शा अच्छे मजबूती की जो भी है उसके वजह से लेके चले जाते हैं? नहीं, प्रमोशन तो मुझे अभी करनी नहीं पड़ी, बल्कि जो आता कस्टमर आ रहा है मार्केट में, देख रहा है, अलग अलग दुकानों पर जा रहा है, वो देखता है, देख के पसंद करता है, जब उसको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ ठोस दे रहा है, अगर उस मार्केट के रेट के हिसाब से सही मिल रही है, तो अगर तुरंत बुक करवा लेता है मेरे पास। ग्राहक की बात करें, जो ग्राहक रिक्शा लेके जाता है, तो 2 महीने में रिक्शा किसी ने वो आप कोई कंप्लेन आती है, मतलब ग्राहक का क्या रिस्पॉन्स है बाहुबली रिक्शा को लेके? अभी तक तो फिलहाल कोई कंप्लेंट आई नहीं है जी बाहुबली रिक्शा में, बाकी कोई कंप्लेंट अगर छोटी मोटी तो जो आती रहती है जी वो। अभी मैं अगर बात करूँ, जैसे एक पहले महीने में आपका, क्योंकि पहले महीने तो क्योंकि लाइसेंस का भी सीन होता है, तो दूसरे महीने में कितने रिक्शा आप बेच पाए हैं? अभी तक जी जो मेरी है 12-13 जो रिक्शे हैं मैंने बुक कर रखे हैं, नेक्स्ट मंथ उसकी हम डिलीवरी करेंगे सबको। मतलब पहले महीने में आपको 12-13 रिक्शा सेल हुए हैं बिना प्रमोशन किए? तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया बात है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए सर कि बाहुबली का ई रिक्शा आपको बाकी रिक्शे के मुकाबले में कैसे सही लगता है, क्या मतलब मजबूती है, क्या जो भी है आप बताइए। इसमें जी जो भी जो सामान डाल रहे हैं ना जी, वो जेन्युइन डाल रहे हैं, बाकी कंपनी तो कॉपी डालती है, जैसे कोई कहीं बोलता है जी हम CY डाल रहे हैं जी, पर होती वो CY की कॉपी है। मैं तो इनकी जो मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं फैक्ट्री में जो गया हूँ, अब जो मेरे पास गाड़ियाँ आई हैं मेरे पास, उनमें सब जेन्युइन चीज़ लगी हुई है, इसलिए मुझे उससे कोई मैं हर चीज़ से संतुष्ट हूँ इनमें। और बाकी की गाड़ियों की बात करें तो ये गाड़ी थोड़ी उनसे चौड़ी भी है, ज़्यादा मजबूत भी है। तो अगर आपको बाहुबली रिक्शा लेना है रोहिणी पूरा एरिया में कहीं भी, तो विशाल एंटरप्राइजेस पे आप आ सकते हैं और जो अपना ई रिक्शा है वो लेके जा सकते हैं। सारी सुविधा मिलेगी आपको, लाइसेंस से लेकर जो भी मतलब ई रिक्शा से जुड़ी जो भी चीज़ होती है सारी चीज़ें मिलेगी। और ये समझिए कि सर दे रहे हैं लेकिन बाहुबली की तरफ से डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, बाहुबली की तरफ से बिल्कुल डायरेक्ट है। तो जो भी आपको चाहिए, जिस तरह का भी जो ई रिक्शा मजबूत है, जो सब है वो आपको, देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि सस्ते, देखिए सबसे सस्ता मतलब अपना बाहुबली ने मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट रखा है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर इससे सस्ता कोई मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलत पार्ट, कुछ ना कुछ तो बेकार पार्ट्स लगे हैं, तो उस चीज़ का खासा ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप डीलरशिप लेना चाहते हैं अगर बाहुबली की पूरे इंडिया में कहीं पर भी, तो जाहिर सी बात है कि आप नीचे वीडियो के नीचे कॉल कर सकते हैं, डीलरशिप के लिए भी नंबर है। लेकिन अगर आपने सिंगल ई रिक्शा लेना है रोहिणी एरिया में कहीं पर भी,
तो विशाल एंटरप्राइजेस पे नीचे नंबर उनका भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी कॉल करके आप बाहुबली ई रिक्शा अपने पास ले जा सकते हैं। दोस्तों आप अगर बाहुबली की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे बाकी कंपनी क्या करती है, अगर उन पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आया तो बाहुबली अपने डायरेक्ट हिसाब से बेचते हैं, तो डीलरशिप का जो डीलर का जो बीच में प्रॉफिट होता है, डीलर का जो फ़ायदा होता है, कह लीजिए डीलर का जो मेहनत होती है उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं। लेकिन बाहुबली ऐसा नहीं करता, अगर रोहिणी की तरफ से कोई भी इनको क्वेरी है, चाहे बेशक कहीं से भी आई हो, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे विशाल एंटरप्राइजेस को, सौरभ जी को, ये नहीं करेंगे कि अपना डायरेक्ट बेच दें। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी डीलरशिप के लिए, किसी भी डीलर के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।